वेल, डॉक्टर पराग तलांग है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने क्लिनिक सेटअप किया है और जिस तरह से फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, जिसको भी ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो अवेलेबल है. एंड नॉट ओनली इन इंडिया, ऐसे बहुत कम क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर एशिया जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, स्पेशली द मशीन्स एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड सबको फ़ायदा होगा इससे. डिजाइनर बॉडी क्लिनिक एक्चुअली है किस चीज़ के लिए और क्या किस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं? ये एक्चुअली कॉस्मेटिक सर्जरी का सेंटर है एंड दिस इज़ एन एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर. सो एनी ऑफ द एडवांस्ड सर्जरीज दैट आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया सो फार, आई हैव ट्रेंड इन पेरिस एंड अदर सेंटर्स इन यूरोप. सो नाउ दोज फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल फॉर अस इन मुंबई. इफ़ यू नीड इट वाई नॉट. द थिंग इज़ कि फैसिलिटीज़, जैसे कि दवाइयाँ हैं, आप बीमार पड़ते हैं तो आप दवाइयाँ तो लेते ही हैं. अगर आपकी ज़रूरत है और किस चीज़ की क्या ज़रूरत है और आपको अपनी ज़िंदगी उस तरह से जीना चाहते हैं आप, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम. और एक्ट्रेसेस बैक स्टेप लेते हैं, लेकिन उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है या हम लोग सबको ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे आते भी हैं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन ऑल्सो. इसमें छुपाने या डरने की बात नहीं है. अगर ज़रूरत है तो करो, नहीं ज़रूरत है तो वी डोंट नीड इट, राइट? ऐसे तो नाम किसी का नहीं बता सकते, बट एवरीबडी एज नीतू जी सेड, एनीबडी हु हैज सम इम्परफेक्शन जिसको सुधारा जा सकता है, व्हाई नॉट? इट्स अ सेफ प्रोसीजर एंड एज लॉन्ग एज द डॉक्टर ऑपरेटिंग ऑन यू इज क्वालिफाइड, यू कैन ऑलवेज हैव अ गुड रिजल्ट. That is important. Also, I think the science and technology has gone so high and so above anything you require today. तो अगर available कुछ भी है जिससे कुछ ऐसी पार चीज़ की जा सकती है जिससे आप बहुत uncomfortable हैं या हमेशा से एक inferiority complex रहा है, बहुत सारे लोग को लगता है अरे मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो, बहुत लोगों इंडस्ट्री में ही बहुत लोगों ने जैसे नोज जॉब कराया हो या चिन जॉब कराया हो और वो सामने दिखता भी है, लेकिन अगर वो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है वो करना और इन्हेंस करता है, तो आई थिंक यू शुड गो टू द राइट पीपल टू डू इट. एंड आई थिंक अगर इतने एडवांस फैसिलिटीज़ हैं यहाँ अवेलेबल हैं तो दे शुड बी लुकिंग फॉर द बेस्ट. अच्छा, हमने सुना कि कोई फिल्म आप बना रहे हैं और जो कि फिटनेस से रिलेटेड हो, तो am I correct or not? सुना है या पढ़ा है? या आई एम डूइंग अ फिल्म कॉल लड़ाकू, इट्स अ मार्शल आर्ट्स फिल्म. कोशिश ये रही क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, आप सब जानते हैं इसके बारे में, मैं ब्लैक बेल्ट 4th डैन, इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार, और लास्ट ईयर कोरियन फेडरेशन ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाइक्वांडो ऑफ इंडिया अनाउंस किया था, और अभी 3 दिन पहले इस ईयर के लिए भी अनाउंस किया है. सो आई फील कि फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और फिटनेस से सिर्फ फिजिकली यू आर नॉट फिट, इट्स अ माइंड बॉडी टुगेदर वन ब्लॉक. सो मैं हमेशा कहती हूँ ट्रेन योर बॉडी फॉर फिटनेस एंड माइंड विल फॉलो. So when you are fit, then your brain also works properly. And this film, which I am doing, is all about martial arts. मैं fitness freak रही हूँ. I am not a skinny body. I am a sports body. And I like that thing about me, क्योंकि मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि sports के background से आकर जो fire और जो to sustain in this industry जो ताकत लगती है, strength लगता है, वो मुझे sports और fitness से मिलता है. Thank you. Thank you. Really appreciate it.